Hello students, in the last video we have studied the basic block diagram of communication system. We have also studied the need of modulation. Okay, now in this video our main focus will be on concept of modulation, modulation standard definition, okay, modulation technical analysis. Okay, now but before studying the concept of modulation we need to study the concept of Fourier transform, basic concept. Okay, although we have studied the Fourier transform in signal and system, but here we will quickly revise the basic concept of Fourier transform. Okay, so in Fourier transform our main aim is to convert any time domain signal into frequency domain signal. Okay, Fourier transform mein hum log kya karte hain, kisi bhi time domain signal ko frequency domain signal mein convert kar dete hain. Okay, so ये करने की जरूरत क्यों है हमें, या कम्युनिकेशन सिस्टम में फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या यूज है, इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं. ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली हर एक सिग्नल का आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करना होता है. ओके, सो बैंडविड्थ की जो यूनिट होती है हमें पता है वो होती है हर्ट्स. ओके, हर्ट्स मीन्स फ्रिक्वेंसी. तो आपको बेसिकली अगर किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है तो उसका आपको स्पेक्ट्रम चाहिए, उसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए. ओके, सो यही नीड है आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म की. नाउ बेसिक की अगर मैं बात करूं तो सपोज करिए अगर मैं यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं रेक्टेंगुलर फंक्शन का. ओके, रेक्टेंगुलर फंक्शन, स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन का एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं मैं. ओके, विच वेरीज फ्रॉम -t/2 टू +t/2. ओके, एंड xt. ओके, एम्पलीट्यूड इज ए. नाउ अब अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंसिडर करूं यहां पर, तो इसके लिए हमें बेसिक फॉर्मुला यूज करना होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, विच इज xf इज इक्वल टू -∞ टू +∞ xt e की पावर -j2πft dt. ओके, नाउ यहां पर मैं ओमेगा के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकता हूं फॉर्मुला फोरियर ट्रांसफॉर्म का, बट चूंकि हमें सारी बैंडविड्थ की यूनिट हर्ट्ज ही यूज करनी होती है इसलिए मैं एफ के फॉर्म में यूज कर रहा हूं. ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में मेजर हम लोग एफ का फॉर्म ही यूज करेंगे. नाउ xf इज इक्वल टू -∞ से +∞ xt. xt कितना है आपका, xt बेसिकली आपका कांस्टेंट है a पर, बट वो कहां से कहां तक है, वो है आपका -t/2 टू +t/2. तो आप चाहें तो लिमिट को पुट कर सकते हैं -t/2 टू +t/2, क्योंकि उसके बाद जो आपका सिग्नल है वो जीरो है. तो हम यहां पर लिमिट को पुट कर देते हैं -t/2 टू +t/2. ए आपका कांस्टेंट है, ए आपका आउटसाइड हो जाएगा, e की पावर -j2πft dt. ओके, नाउ अगर मैं अब e की पावर के टर्म का इंटीग्रेशन परफॉर्म करूं तो ये हो जाएगा आपका a, एंड इंटीग्रेशन इज e की पावर -j2πft डिवाइडेड बाय -j2πf. ओके, हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, एंड लिमिट्स क्या है आपकी -t/2 टू +t/2. नाउ अगर हम लिमिट पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका a, माइनस जे ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस जे, तो a j अपॉन 2πf. ओके, एंड क्या हो जाएगा अंदर आपका e की पावर -j2πft/2 -e की पावर एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट आपकी क्या है माइनस है, तो यहां पर आप प्लस लिख दीजिए डायरेक्टली j2πft/2. ओके, नाउ यहां पर अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि इस e की पावर को आप साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं. साइन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मैं साइड में आपके लिए लिख देता हूं. साइन का फॉर्मूला होता है e की पावर j थीटा प्लस e की पावर -j थीटा डिवाइडेड बाय 2j. ये आपका क्या होता है साइन थीटा होता है. ठीक है, तो यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा e की पावर +j थीटा -e की पावर -j थीटा डिवाइडेड बाय 2j का टर्म क्रिएट करना है हमें. ठीक है ना, तो बेसिकली हम जो जिस जे को हम ऊपर लेके गए थे उस जे को हम नीचे ही रहने देते हैं यहां पर, तो आपका क्या हो जाएगा a, ओके, अपॉन 2πfj. ओके, और यहां पर आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, ये
e की पावर प्लस जे टू पाई एफ टी बाय टू माइनस e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी बाय टू. ओके, सो यहां पर 2j आपको मिल रहा है यहां से, तो क्या हो जाएगा ये आपका a अपॉन पाई एफ. ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा. थीटा क्या हो जाएगा आपका जो j के साथ है वो है आपका थीटा, तो j के साथ क्या है 2 पाई एफ टी बाय टू, तो आप लिख सकते हैं पाई एफ टी. ओके, सो यहां पर ये आपका आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म xf. नाउ इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो यहां पर ये साइन है एक आपका दिख रहा होगा आपका, और नीचे भी आपका पाई एफ का टर्म है. ठीक है, तो हमें एक सिग्नल की याद आनी चाहिए जो हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम में पढ़ा हुआ है, और अगर हम सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए फिर एक न्यू सिग्नल मैं देने जा रहा हूं, वो कहलाता है आपका सिंक एक्स. ओके, सिंक एक्स क्या होता है आपका साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स. ओके, तो ये होता है आपका सिंक एक्स. ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर आपका क्या है साइन पाई एफ टी, मतलब एफ टी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स. तो यहां नीचे भी आपका क्या आना चाहिए था पाई एफ टी आना चाहिए था, तो ऊपर नीचे हम टी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो नीचे भी आपका क्या हो गया पाई एफ टी, तो साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स कितना होता है आपका सिंक एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स एफ ए टी. ओके सिंक. ओके, अब आप देखिए यहां पर x, x क्या है आपका x है आपका एफ टी, तो आप लिख दीजिए एफ टी. ओके, तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका ए टी सिंक एफ टी. नाउ जो सिंक फंक्शन होता है वो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये किसके रेस्पेक्ट में है फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट. ओके, सो ग्राफ हो जाएगा आपका एक्स एफ वर्सेज एफ. ओके, सो मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं ग्राफ, आप देखिए इस तरह से ड्रॉ होता है आपका सिंक लाइक दिस. ओके, एंड देर आर मैनी स्मॉल साइड लोब्स, तो ये जो आपका बीच पे जो आपको बिगर डायग्राम दिख रहा है ये होता है आपका मेन लोब. ओके, एंड उसके बाद आपके साइड लोब्स होते हैं जो लगातार डिक्रीज होते चले जाते हैं आपके. ठीक है, नाउ यहां पर अगर आप देखें तो एक्सएफ जो है वो जो जीरो पर कितना वैल्यू होगी वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सएफ का फॉर्मूला है. ठीक है, तो अगर आप देखिए एक्सएफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास साइन पाई एफ टी अपॉन पाई एफ टी. ठीक है, ए टी आपका मल्टीप्लाइड है सामने, तो जब आप एफ की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन जीरो अपॉन जीरो, तो ये तो आपका जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म हो गया, ये तो इनवैलिड हो गया. तो जब भी आपका जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म आता है हमें क्या करना होता है यहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है. एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है आपका कि जब भी जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए जो कि आपका इनवैलिड है, तो आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह सेपरेटली जिसकी लिमिट पुट करनी होती है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं. हमें यहां पर एफ की लिमिट जीरो पुट करनी है, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में एफ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे सेपरेटली, तो साइन पाई एफ टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन का तो कॉस होता है और पाई एफ टी का क्या हो जाएगा पाई टी हो जाएगा. ओके, सो यहां पर ए टी तो आपका कॉमन था वो तो कॉमन रहेगा. ओके, सो कितना हो जाएगा पाई टी एंड कॉस पाई एफ टी. नाउ डिनोमिनेटर का भी हमें करना होगा, डिनोमिनेटर में आप देखिए पाई एफ टी है, पाई एफ टी का क्या हो जाएगा एफ के रेस्पेक्ट में पाई टी हो जाएगा. सो यहां से आपका पाई टी एंड पाई टी कैंसिल हो गया, अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं एफ की वैल्यू जीरो. तो जैसे ही आप एफ की वैल्यू जीरो पुट करेंगे कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका एटी आ जाएगा. ओके, सो इस तरह से आप लोग लिमिट यहां पर पुट करते हैं जब भी जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आपका क्रिएट होता है. नाउ तो एफ की वैल्यू जीरो पर एक्स एफ हो गया आपका एटी. अब आप यहां पर सोचिए कि इन पॉइंट्स पर आपकी एफ की वैल्यू क्या होगी, इन पॉइंट्स पर आपको एक्स एफ तो पता है, एक्स एफ जो है वो इन पॉइंट्स पर क्या है आपका जीरो है. ठीक है ना, देख सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है. ठीक है, तो आप सोचिए अब कि आपका एक्स एफ जीरो हो रहा है तो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स एफ क्या है आपका, एक्स एफ जो है आपका वो साइन के फॉर्म में है, तो अगर आप साइन को जीरो कर दें साइन की वैल्यू को जीरो कर दें अगर, तो आपका ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. ठीक है ना,
पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में जीरो ना क्रिएट हो, जैसा आपका एफ की वैल्यू जीरो पुट करने पर आ गया था, ठीक है, फिर आपका जीरो बाय जीरो का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो साइन में थीटा क्या पुट करें कि ओवरऑल आंसर आपका जीरो हो जाए, तो आप सोचिए कि साइन जीरो तो आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि एफ की वैल्यू जीरो जो है आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। तो साइन जीरो के बाद कब जीरो होता है, ठीक है, मतलब एफ की वैल्यू जीरो के बाद अगली कौन सी पुट करूं कि साइन की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हमें पता है कि साइन पाई जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है, ठीक है ना। तो साइन अगर 180 जीरो होता है तो यहां पर पाई का टर्म तो ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, तो अगर मैं यहां पर एफ की वैल्यू को 1/t पुट कर दूं तो एफ और टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो यहां पर एफ की वैल्यू होगी वो होगी 1/t, सेम नेगेटिव साइड माइनस पाई, मतलब माइनस 1/t, ओके। सो यहां पर आप ऐसे पुट कर देंगे। नाउ अब आप सोचिए साइन जो होता है 180 के बाद कब जीरो होता है, 2 पाई पर, 360 पर जीरो होता है, तो यहां पर क्या पुट करना होगा आपको, 2/t, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, -2/t इस पॉइंट पर, और ऐसे आपका चलते जाएगा 3/t, 4/t एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने यहां पर यह कंसेप्ट यूज किया है कि साइन 180, साइन 360, ठीक है, आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, जब आप यहां पर एफ की वैल्यू 1/t पुट करते हैं तो साइन पाई जनरेट होता है और नीचे आपका जीरो जनरेट नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही आप एफ की वैल्यू 1/t पुट करेंगे एफ और टी आपका नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक फाइनाइट वैल्यू होगी पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंक एक्स का, या आप कह सकते हैं यहां पर एक्सएफ का, आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते समय एक लाइन बोली कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें क्यों यूज करना है कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें इसलिए यूज करना होता है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में हर एक सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी होती है। अब बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए आपको सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, ओके। तो अब आप देखिए, अगर मुझे जो एक्सटी सिग्नल था, एक्सटी सिग्नल आपका ये था जिसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है, अगर मुझे इसकी बैंडविड्थ चाहिए होती, सपोज करिए, तो मैं उसे एक्सएफ में कन्वर्ट करता, तो मैंने यहां पर एक्सएफ में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इस सिग्नल की बैंडविड्थ चाहिए, एक्सटी सिग्नल की ना, तो क्या होगी बैंडविड्थ आपकी, ध्यान से समझिए अब बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, ओके, माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, ओके। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पॉजिटिव साइड। तो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव साइड में, आप देख सकते हैं ये सिग्नल जो है आपका लगातार डिक्रीज होता 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 अप टू इंफिनिटी तक जाता है, ये जो एफ है ना आपका वो इनफिनाइट तक चला जाता है, मतलब एम्पलीट्यूड जो है आपका वो डिक्रीज होता 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 एट लास्ट आपका जीरो होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, इनफिनिटी, माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है आपका, पॉजिटिव साइड, जीरो, तो कितना हो जाएगा, इनफिनिटी माइनस जीरो, तो जो आपकी बैंडविड्थ आ रही है वो इनफिनिटी आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक पॉइंट समझना होगा आप कि जो एक्सटी है वो आपका एक सिग्नल है, ठीक है, जिसकी बैंडविड्थ आ रही है इन्फिनिटी। बैंडविड्थ जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि अगर आप बिल्कुल अपने डेली लाइफ से रिलेट करके सोचें तो बैंडविड्थ जो होती है वो स्पेस होती है जो सिग्नल की इंफॉर्मेशन को चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अगर सिग्नल की इंफॉर्मेशन को या सिग्नल को इन्फिनिटी स्पेस चाहिए, ठीक है ना, तो सिग्नल को आपको चैनल्स के थ्रू सेंड करना होता है रिसीवर को, ठीक है। तो अगर किसी सिग्नल की बैंडविड्थ इन्फिनिटी है तो चैनल की बैंडविड्थ चाहे जितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वो सिग्नल उस चैनल से कभी पास ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी से ज्यादा बैंडविड्थ तो किसी चीज की नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो चैनल की बैंडविड्थ जो है या चैनल का जो स्पेस है वो कभी भी इन्फिनिटी से ज्यादा नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, मैं अगर आपसे कहूं कि आप सपोज करिए जो आपके बेडरूम का जो डोर है, बेडरूम का जो आपका दरवाजा है, उसका स्पेस आप इमेजिन करिए, ठीक है, वो ओपन है, तो क्या उस दरवाजे से ट्रक निकल जाएगी। बेसिकली ट्रक क्या होगा आपका, एक सिग्नल होगा, और जो आपके दरवाजे का स्पेस है वो बेसिकली चैनल है,
तो उस सिग्नल को उस चैनल से पास होना, तो आप समझ सकते हैं कि जो चैनल का स्पेस है, जो चैनल की फ्रीक्वेंसी है, वो सिग्नल के स्पेस, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा लेस है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि फॉर फेथफुल कम्युनिकेशन, फॉर फेथफुल ट्रांसमिशन, सिग्नल बैंडविड्थ ओके शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। ओके, क्या होनी चाहिए आपकी, लेस। ओके, नाउ आपकी जो चैनल बैंडविड्थ है, ओके चैनल बैंडविड्थ आपकी क्या होनी चाहिए, मोर एज ग्रेटर एज पॉसिबल होनी चाहिए। ओके, तभी आपका जो सिग्नल है वो चैनल से क्या हो पाएगा, पास हो पाएगा। अब आप यहां पर देखिए, जो आपने एक्सटी सिग्नल लिया था एग्जांपल में, बेसिकली हम पढ़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ही रहे हैं, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म की स्टडी करते करते हमें एक कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है। तो जो एक्सटी सिग्नल था आपका, उसकी बैंडविड्थ जो निकल कर आई है वो इन्फिनिटी निकल कर आई है, ठीक है। तो बेसिकली वो आपका किसी भी चैनल से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझ के देखिएगा, समझ के चलिए कि एक्सटी सिग्नल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको उसे रिसीवर को सेंड करना ही करना था, ठीक है। पर आप देख सकते हैं कि एक्सटी सिग्नल के लिए आपको इन्फिनिटी बैंडविड्थ चाहिए, तो आप सेंड कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये जो एक्सएफ आया है आपका, उसमें आप देखिए जो मेन वाला है आपका, जो मिडिल वाला है, वो क्या कहलाता है आपका, मेन लोब। ओके, ये पोर्शन, दिस इज योर मेन लोब, एंड जो आपके साइड वाले, ये कहलाते हैं आपके साइड लोब्स। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ये आपका मिडिल वाला है, वो आपका बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो आपके जो साइड वाले वो आपके बहुत स्मॉलर है और लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो सिंक फंक्शन है उसकी जो 98% जो स्ट्रेंथ है, ओके वो आपकी इस मिडिल पोर्शन पर ही होती है, और ओनली 2% स्ट्रेंथ होती है आपकी इन साइड पोर्शंस में। ओके, तो अब आप खुद समझिए, आप क्या चाहेंगे कि आप सिग्नल को सेंड ही ना कर पाए, आप एक भी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक ना भेज पाए, कि आप 2% से कॉम्प्रोमाइज कर लें, दैट मींस आप ओनली 98% इंफॉर्मेशन सेंड कर दें और 2% को ना कर पाए, तो बेटर कौन सा है, 98% वाला है ना, 98% एक ह्यूज वैल्यू है आपकी। ओके, सो अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस 98% वाले को कंसीडर करूं, ओके तो मेरा एक्सएफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए आप एक्सएफ एंड दिस इज एफ, कुछ इस तरह से, ओके फ्रॉम -1/t टू +1/t एंड एम्पलीट्यूड क्या है आपका, 80। सो आप देख सकते हैं इस केस में जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है पॉजिटिव साइड, वो कितनी है आपकी, 1/t, और जो लोवेस्ट है वो है 0। तो आपकी जो बैंडविड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/t, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। ओके, सो यहां पर आप अपने सिग्नल को वाया चैनल सेंड कर सकते हैं। ओके, सो आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है, जब तक हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब तक हम लोग सिंक का मीनिंग यही लेंगे। ओके, हम लोग साइड लोब्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो आपने स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर एक्सटी सिग्नल लिया था, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमेशा वो यही होगा। ओके, क्लियर है पॉइंट। नाउ अब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज एनालाइज करेंगे, ओके जो हमारे लिए यूजफुल होंगी इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, कि आपका फ्रीक्वेंसी साइड में शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे यहां पर एक्सटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपको सपोज करिए एक्सएफ है, तो एक्सटी इंटू अगर मैं ई की पावर +j 2πf0t कर दूं, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ओके, तो ये होता है आपका एक्स एफ -+f0। ओके, आप देखिए आपने एक्सटी को एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया है, ई की पावर j 2πft, जहां एफ आपका क्या है, एफ नॉट है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर आपके उसी कांस्टेंट से फ्रीक्वेंसी आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप यहां पर प्लस साइन यूज करेंगे तो यहां माइनस आएगा, यहां अगर माइनस यूज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, आपका प्लस आएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं और
मैं अगर आपको बोलूं कि e की पावर j 2 पाई f नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ओके e की पावर j 2 पाई f नॉट t, ओके सो आप सोचेंगे यहां पर xt तो है ही नहीं, तो मैं कैसे प्रॉपर्टी का यूज करूंगा? तो आप देखिए ना, xt यहां पर क्या है, बेसिकली आपका 1 है, ठीक है, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ओके तो बेसिकली xt into e की पावर j 2 पाई f नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, x f माइनस f नॉट, तो बेसिकली आपको xf जो xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म है xf उसमें आपको f नॉट से डिले करना है, ओके तो जो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए वैसे, लेकिन मैं साइड में लिख देता हूं, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है आपका डेल्टा f, ओके इंपल्स, सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डेल f माइनस f नॉट, क्लियर है पॉइंट, सेम आपका जो e की पावर माइनस j 2 पाई f नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपका निकल कर आ जाएगा डेल f प्लस f नॉट, ओके अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका cos 2 पाई f नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि आपका होता है डेल f माइनस f नॉट प्लस डेल f प्लस f नॉट डिवाइडेड बाय 2, ओके हमें पता है cos थीटा क्या होता है, e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है, क्लियर है, तो यहां से हमारा cos का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है, इस cos के फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमें बहुत ज्यादा नीड होगी इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन कंसेप्ट। नाउ एक बात और समझ लीजिए, सपोज करिए अगर मैं दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कंप्लीट जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड कैन बी एनीथिंग, मैंने यहां पर पहले 1 लिया था, अब मैं यहां पर a ले रहा हूं। नाउ एक और पॉइंट समझिए, आपने यहां देखा हुआ है कि एक्स टी इंटू ई की पावर जे टू पाई एफ नॉट टी का क्या है, एक्स एफ माइनस एफ नॉट है, एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ नॉट टी का क्या है, एक्स एफ प्लस एफ नॉट है, ओके तो अगर मैं यहां पर एक्स टी इंटू ई की पावर जे टू पाई एफ नॉट टी प्लस एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 करूं तो मुझे एक्स टी इंटू कॉस का निकल आएगा, ठीक है ना, तो अगर आप यहां से लिख दें एक्स टी इंटू कॉस 2 पाई एफ नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका एक्स एफ माइनस एफ नॉट प्लस एक्स एफ प्लस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2, ओके सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी यूज होंगी इन केस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, क्लियर है आपको अच्छे से, तो ये होता है आपका बेसिक्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, अगर हमें इतना फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है पॉइंट, ओके वन मोर थिंग है, अब मैं थोड़ा कम्युनिकेशन की तरफ मूव कर रहा हूं, वन मोर थिंग है आपके लिए कि सपोज करिए जैसे आपका ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये वाला इक्वेशन, ओके ए कॉस 2 पाई एफ नॉट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो आपको यहां पर मैंने लिखा है, हमें कम्युनिकेशन में बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लिखना होता, हमें कम्युनिकेशन में बेसिकली फिगर ड्रॉ करने होते हैं, तो सपोज करिए अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए पहला टर्म क्या है, डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट, ओके तो जो एफ माइनस एफ नॉट है मतलब आपका एक इंपल्स है एफ इक्वल टू एफ नॉट पर, ओके बेसिकली अगर आपने सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा है तो डेल्टा एफ क्या होता है, आपका एक इंपल्स होगा, एक सिंगल लाइन होगी एफ इक्वल टू जीरो पर, ओके आप देखिए डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट, आप क्या करिए अगर आपको अभी नहीं पता है सिग्नल सिस्टम के कंसेप्ट तो आप क्या करिएगा, ये जो आपका ब्रैकेट में जो आपको टर्म दिख रहा होगा उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए, ठीक है, तो यहां पर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ नॉट आ जाएगी, यहां पर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ नॉट आ जाएगी, तो बेसिकली आपके दो इंपल्स हैं, एक आपका जो है वो है आपका एफ नॉट पर, ओके एफ नॉट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी, और एक है आपका माइनस एफ नॉट पर, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, आप देख सकते हैं दोनों ही इंपल्स के जो एम्पलीट्यूड है वो कितने हैं आपके a बाय 2, तो आप यहां पर शो कर देंगे a बाय 2 एंड a बाय 2, ओके क्लियर है, तो इस तरह से आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ भी कर सकते हैं, और जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका इंपल्स के फॉर्म में है तो समझ जाइए आपके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इंपल्स माने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी और एम्पलीट्यूड आपको लिख देना है,
ठीक है, मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी है, किस फ्रीक्वेंसी पर इंपल्स है और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, दैट्स इट, और आपको कुछ भी नहीं करना। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ अब मैं बेसिकली इन सारे कंसेप्ट को साथ लेते हुए स्टार्ट करने वाला हूं कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट आपका क्या है? नाउ एक मैसेज सिग्नल है आपके पास MT, ओके, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है MF वो कुछ इस तरह से है। ओके, मैं यहां जस्ट एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। तो आपका MF कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। यही स्टैंडर्ड सिग्नल एक्चुअली बुक्स में यूज किया जाता है MF का एनालिसिस पर्पस के लिए। ओके, तो मैं भी यही सिग्नल आपके लिए कंसिडर कर रहा हूं। ओके, और ये जो आपका MF सिग्नल है उसकी रेंज क्या है? -FM to FM। ओके, नाउ यहां पर जो आपका MT है वो आपका मैसेज सिग्नल है, ठीक है। अब मुझे इसका मॉड्यूलेशन परफॉर्म करना है तो मुझे एक कैरियर सिग्नल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है कि कैरियर सिग्नल इज जनरली कॉस सिग्नल, सो आई विल टेक AC cos ओमेगा CT। ओके, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा आपका वो क्या हो जाएगा? हमने अभी अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म के कंसेप्ट में देखा हुआ है कि अगर आपका कॉस सिग्नल है और उसके साथ कोई एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो आपके दो इंपल्स क्रिएट होते हैं। आप देखिए यहां पर A cos 2πf0t, ओके, इसके यहां पर देखिए दो इंपल्स क्रिएट हुए, एक एफ नॉट पर और एक माइनस एफ नॉट पर, और क्या हुआ आपका एम्पलीट्यूड जो है वो हो गया डिवाइड बाय 2। ओके, सो हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे यहां पर। एम्पलीट्यूड आपका क्या है? AC, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा AC/2, और कॉस के अंदर क्या है आपका 2πfc(t), ओमेगा को लिख सकते हैं ना आप 2πf, तो 2πfc(t). सो क्या होगा आपका आंसर? एक इंपल्स होगा आपका प्लस फ्रीक्वेंसी पर, एक इंपल्स होगा माइनस फ्रीक्वेंसी पर, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करिए, जो भी फ्रीक्वेंसी है एफ उसके प्लस पर एक इंपल्स ड्रॉ करिए, उसके माइनस पर एक इंपल्स ड्रॉ करिए, और एम्पलीट्यूड को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, बस। तो ये आपका हो गया CF। नाउ सपोज करिए जो आपका मॉड्यूलेशन प्रोसेस है वहां पर हम लोग MT into CT कर रहे हैं, ठीक है। ऑल दो मॉड्यूलेशन आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं MT into CT का। ओके, तो यहां पर इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका वो क्या हो जाएगा, उसे समझने के लिए हम अगर यहां पर CT की वैल्यू पुट कर दें तो वो हो जाएगा AC cos ओमेगा CT into MT। ओके, सो अगर आप देखेंगे लास्ट स्लाइड में तो आपने एक और फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है XT into cos 2πf0t, वो क्या था आपका XF minus F0 plus XF plus F0 divided by 2। ओके, अगर आप इसे कंपेयर करें अपने इस गिवन इक्वेशन से तो देखिए XT की जगह आपका क्या है, MT है, cos आपका cos प्रेजेंट है, और आपका जो एम्पलीट्यूड उस केस में 1 था, यहां पर क्या है आपका AC है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड इतना मैटर नहीं करेगा आपके कंसेप्ट वाइज, ठीक है। नाउ इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो XF यहां पर क्या है आपका SF है, तो आप SF लिख दीजिए, और X एक्सिस पे क्या है आपका F है। ओके, आप देखिए बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका AC/2 जो कि आपका कांस्टेंट है जो आउटसाइड होगा। ओके, उसके अलावा क्या होगा आपका यहां पर XT की जगह क्या है MT है, तो क्या आ जाएगा MF minus FC plus MF plus FC, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है देखिए, अगर आपको MF माइनस FC ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंदर वाले पार्ट को जीरो कर देना है, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, FC आ जाएगी। इसका मतलब आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे FC से ऐड कर देना है, तो MF minus FC। अगर मैं सिग्नल सिस्टम के टर्म में बोलूं तो जब बीच पे माइनस साइन होता है तो आपका जो फिगर होता है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो राइट हैंड साइड आपका फिगर कब शिफ्ट होगा, जब आप उस वैल्यू से ऐड कर देंगे,
तो f माइनस fc मीन्स क्या होगा, आपको fc से हर एक पॉइंट को ऐड कर देना है, ठीक है। एक और पॉइंट है, जैसा हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है कि जब जो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा ग्रेटर होगी, ठीक है। तो यहां पर fc जो है वो fm से बहुत ज्यादा ग्रेटर होगी, ठीक है। तो जब आप हर एक पॉइंट पे fc ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, fc प्लस fm, यहां क्या होगा fc, और यहां क्या हो जाएगा fc माइनस fm, सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना, क्योंकि fc आपका fm से ग्रेटर है, तो fc माइनस fm जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर क्या ड्रॉ हो जाएगा आपका, लाइक दिस, ओके, ये हो जाएगा fc प्लस fm, दिस इज fc एंड दिस इज fc माइनस fm, ओके। नाउ यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप f प्लस fc करेंगे, क्योंकि आपके दो टर्म थे, एक था f माइनस fc एंड वन इज f प्लस fc, अगर अब आप f प्लस fc करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं f प्लस fc इक्वल टू जीरो, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस fc आ जाएगी। तो आप हर एक पॉइंट पे माइनस fc कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एम माइनस fc एंड माइनस fc प्लस fm, ओके। जब यहां पर आप माइनस fc करेंगे तो आपको पता है fc जो है वो fm से ग्रेटर है, तो जो माइनस fc का अफेक्ट आपको पूरे ओवरऑल को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस fc प्लस fm आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, देखिए आप यहां पर जो लास्ट होगा वो क्या होगा, माइनस fc माइनस fm, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, देन माइनस fc, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस fc प्लस fm, ओके। तो आप देख सकते हैं जो आपका फिगर बना है एक्चुअल में sf, वो आप देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव साइड जो है सेम आपका नेगेटिव साइड है, आप देखिए पॉजिटिव साइड आपका प्लस fc था, यहां क्या है माइनस fc, इस साइड सबसे एंड में क्या था fc प्लस fm, इस साइड सबसे एंड में क्या है fc प्लस fm का माइनस, दैट मींस माइनस fc माइनस fm, ठीक है। इस साइड आपका स्टार्टिंग में क्या था fc माइनस fm, इस साइड आपका क्या है fc माइनस fm का माइनस, करिए fc का माइनस माइनस fc और माइनस fm का माइनस प्लस fm, ओके। सो इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक बार आपने पॉजिटिव साइड ड्रॉ कर लिया तो नेगेटिव साइड के लिए वापस से कैलकुलेशन मत करिए, टाइम खराब मत करिए, नेगेटिव साइड इज जस्ट द रिप्लिका ऑफ पॉजिटिव साइड, सिमेट्रिकल है, आप जस्ट ड्रॉ कर दीजिए, ओके। और अगर आपको याद हो मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि जो बैंडविथ होती है किसी भी सिग्नल की वो क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, ओके। मैंने नेगेटिव साइड नहीं कहा, एक्चुअल में नेगेटिव साइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो जस्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नेवर एग्जिस्ट, नेगेटिव टाइम नेवर एग्जिस्ट, कभी भी आप पास्ट टेंस में नहीं जा सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। तो नेगेटिव साइड इज जस्ट द रिप्लिका ऑफ पॉजिटिव साइड, नथिंग एल्स, ओके। नाउ ये ड्रॉ हो जाने के बाद SF के, अब आपको क्या देखना है, बैंडविड्थ, ठीक है। अगर आप अपने मैसेज सिग्नल की बात करें तो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है FM, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है जीरो, पॉजिटिव साइड देखना है। तो जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है वो कितनी हो जा रही है आपकी, FM हो जा रही है, ओके। बट हमारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड कितनी हो जाएगी, fc प्लस fm, माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड कितना है, fc माइनस fm, ओके। अगर आप सॉल्व करें इसे तो आप देख सकते हैं fc और fc कैंसिल हो गया और जो आपकी बैंडविड्थ आ गई वो आ गई आपकी 2fm, ओके। सो बेसिकली मैंने यहां पर जो मॉड्यूलेशन का आपको कंसेप्ट दिया है, उस मॉड्यूलेशन टेक्निक को मैंने कोई नाम नहीं दिया अभी, ठीक है ना, नेम वाइज कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है कि DSBSC है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैंने आपको बेसिक मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं, हम लोगों ने बेसिकली एक एम्प्टी सिग्नल कंसिडर किया जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने MF लिया, ठीक है। यहां पर एम्प्टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअल में क्या निकलेगा मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक स्टैंडर्ड फिगर चाहिए जिससे मैं एनालिसिस कर सकूं, ओके।
तो यहां पर मैंने एक स्टैंडर्ड फिगर ले लिया, मैंने सोच लिया कि एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से ही दिखाई देता है. ओके, नाउ जो एम एफ है उसमें जो हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो एफ एम है और लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, जीरो है. सेम आपने नेगेटिव साइड ड्रॉ कर दिया. ओके, कैरियर मैंने आपको क्या बताया, कैरियर आपको हमेशा या आप कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम आपको कोसाइन सिग्नल ही लेना होता है. ठीक है, तो हमने कंसिडर कर दिया ए सी कॉस ओमेगा सी टी. ओके, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है इट इज मच मच ग्रेटर देन मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी. ठीक है, एसी कॉस ओमेगा सी टी को आप इस तरह से भी लिख सकते थे, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी. ओके, तो हम लोगों ने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी देखी है उसमें हम लोगों ने देखा था ए कॉस 2 पाई एफ नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दो इंपल्सेस होते हैं, एक होता है एफ नॉट पर और एक होता है माइनस एफ नॉट पर, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है डिवाइडेड बाय 2. तो हम लोगों ने सेम काम यहां पर किया, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या थी एफ सी थी, तो हमने एक इंपल्स ड्रॉ किया एफ सी पर, एक इंपल्स ड्रॉ किया माइनस एफ सी पर और एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. फिर हम लोगों ने मॉड्यूलेशन कंसिडर किया कि एम टी इंटू सी टी होगा. ठीक है ना, तो एम टी इंटू सी टी जब हम लोगों ने परफॉर्म किया तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू एम टी आया. जब हम लोगों ने इसे फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से कंपेयर किया तो यहां पर देखिए एक्स टी वहां पर हमारा क्या है एम टी, वहां भी हमारा कॉस 2 पाई एफ टी है, यहां भी हमारा कॉस 2 पाई एफ टी है, बस वहां पर एफ सी था, यहां पर क्या है एफ नॉट है. यहां पर हमारा एम्पलीट्यूड 1 है, वहां पर हमारा एम्पलीट्यूड ए सी है, तो आप क्या करेंगे बोथ साइड ए सी ए सी से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है एक्स एफ माइनस एफ नॉट, ये आपको फर्स्ट टर्म क्रिएट करना था, तो वहां पर आपको फर्स्ट टर्म क्या क्रिएट करना होगा एम एफ माइनस एफ नॉट. ओके, तो हमारे पास एम एफ ऑलरेडी था, एफ माइनस एफ नेट हो इसकी मीनिंग क्या होती है आप हर एक पॉइंट पे एफ नॉट से ऐड कर देंगे या सिंपली आप अपने फिगर को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे. तो मैं अगर हर एक पॉइंट पे एफ नॉट जो कि यहां पर एफ सी है ऐड करूं तो क्या हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी एंड एफ सी माइनस एफ एम, ये ड्रॉ हो गया हम लोगों के लिए. ठीक है, और सेम आप नेगेटिव साइड ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहां पर लिख सकते हैं वो है एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2. आप देख सकते हैं टोटल डिवाइडेड बाय क्या था आपका 2 था, अगर आप बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बाय 2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर आपका एम्पलीट्यूड कितना है ए सी है, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका ए सी बाय 2. ओके, क्लियर है पॉइंट. और मैं यहां पर एम एफ का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 लेके चल रहा हूं, तो 1 इंटू ए सी बाय 2 आपका ए सी बाय 2 ही हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट. तो इस तरह से आप एस एफ ड्रॉ कर सकते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हैं. और लास्ट में हम लोगों ने बैंडविड्थ कैलकुलेट कर ली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड. ठीक है, तो आ गई बैंडविड्थ आपकी 2 FM. क्लियर है पॉइंट यहां तक आप लोगों को. नाउ नेक्स्ट इज डी मॉड्यूलेशन. सो डी मॉड्यूलेशन आपका क्या होता है, डी मॉड्यूलेशन एक्चुअल में एक प्रोसेस है जो कि मॉड्यूलेशन का रिवर्स है. मीन्स डी मॉड्यूलेशन में आप लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल अचीव करते हो. ठीक है, तो डी मॉड्यूलेशन इज बेसिकली मॉड्यूलेटेड टू ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल. ओके, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को. नाउ अगर हम लोग फिर से अपना स्पेक्ट्रम कंसिडर करें एस एफ का, तो आप देखेंगे स्पेक्ट्रम आपका कुछ इस तरह से था एस एफ. ओके, पॉजिटिव साइड आपने क्या क्या ड्रॉ किया था, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, और मिडिल में क्या था आपका एफ सी. ओके, एंड सेम आपका किस साइड था, नेगेटिव साइड था, एंड एम्पलीट्यूड आपने क्या लिया था ए सी बाय 2. ओके, नाउ अब अगर मैं एस टी को ए सी कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर दूं, मीन्स अगर मैं एस टी को कैरियर से वापस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा स्पेक्ट्रम किस तरह से बनेगा, हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से बनेगा, इसका एनालिसिस हम लोग यहां पर करेंगे. ठीक है, आप देखिए हमें पता है कि अगर किसी भी एक्स टी को कॉस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, वो प्लस फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट होता है, माइनस फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट होता है, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है डिवाइडेड बाय 2. अब आपको नॉलेज क्लियर है ना. देखिए अगर कॉस के सामने सिर्फ और सिर्फ कोई एम्पलीट्यूड हो, कोई भी एक्स टी मल्टीप्लाइड ना हो, तो आपके दो इंपल्स बनते हैं, आप इसे देख सकते हैं लास्ट स्लाइड में. अगर कॉस के साथ कोई एक्स टी मल्टीप्लाइड हो जो कि यहां पर एस टी है, तो आप क्या करते हैं, जो भी एक्स टी होता है
उसमें कॉस की पहले आप प्लस फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, फिर कॉस की फ्रीक्वेंसी से आप हर एक पॉइंट को माइनस करते हैं और एम्पलीट्यूड को क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पर आपका सिग्नल कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए। ओके, सो मैं सिग्नल का जो नेम है वो दे रहा हूं S1F। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, जो S1F है वो किस तरह से ड्रॉ होगा, आप क्या करेंगे SF में पहले एक बार प्लस FC कर देंगे हर एक पॉइंट पे। ठीक है, यहां पर भी आप नेगेटिव साइड भी शो कर दीजिए, फिर माइनस FC माइनस FC माइनस FM और माइनस FC प्लस FM। ओके, तो आप पहले प्लस FC करिए तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ये आपका राइट साइड शिफ्ट होने वाला है डायग्राम, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2FC प्लस FM और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2FC माइनस FM। ओके, अब अगर आप यहां पर प्लस FC करते हैं, ओके, सो देखिए प्लस FC माइनस FC क्या बचेगा, FM बचेगा। ओके, ये क्या बचेगा 0 और ये क्या बचेगा माइनस FM। ठीक है, तो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग क्या बच जाएगा, माइनस FM 0 एंड प्लस FM। आपको सिर्फ ये करना है कि पूरे इंटायर डायग्राम में प्लस FC से ऐड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब अगर आप इंटायर डायग्राम में माइनस FC से ऐड करते हैं, ओके, सो माइनस FC से ऐड करने पर क्या हो जाएगा, देखिए आप यहां पर सपोज करिए मैं माइनस FC से ऐड करने वाले डायग्राम को अलग से बना लेता हूं, तो मैं सपोज करिए उसे S2F ले लेता हूं। ओके, सो S2F क्या हो जाएगा, सेम नेगेटिव साइड में ड्रॉ हो जाएगा, आपको पता है अच्छे से। अब तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2FC माइनस FM, ये हो जाएगा माइनस 2FC प्लस FM। ओके, और यहां पर फिर से सेम फिगर बन जाएगा आपका 0 प्लस FM और ये क्या हो जाएगा माइनस FM। ठीक है ना, S2F कैसे मिला आपको, आपने हर एक पॉइंट पे माइनस FC को ऐड किया। ओके, सो प्लस FC माइनस FC FM, प्लस FC माइनस FC 0 और FC माइनस FM माइनस FC, तो क्या बच जाएगा आपका माइनस FM। और सेम ये वाला डायग्राम जो है लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। नाउ मैं क्या करूंगा, S1 S2F को दोनों को कंबाइन करना है, हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, S1F प्लस S2F डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो माइनस FM से प्लस FM तक है वो S1F में भी प्रेजेंट है और S2F में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 2FC माइनस FM है और 2FC प्लस FM वाला पोर्शन है, ये आपका बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। सेम आपका नेगेटिव साइड में भी ये भी आपकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जब आप S1F प्लस S2F, ठीक है ना, यहां पर देखिए S1F प्लस S2F डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है ना, आपको पता है कि आपको दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऐड करके एम्पलीट्यूड को डिवाइडेड बाय 2 करना है। बेसिकली आपका S1F है क्या, SF माइनस FC, S2F क्या है आपका SF प्लस FC, तो यही तो होता है ना हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। एम्पलीट्यूड को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो इस ऑपरेशन को करने के बाद हमें क्या करना होता है डीमॉड्यूलेशन में, इस ऑपरेशन को करने के बाद बेसिकली हमें एक आइडियल लो पास फिल्टर से पास करना होता है, एक ऐसे लो पास फिल्टर से पास करना होता है जिसके थ्रू जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या हो जाए आपके, रिजेक्ट हो जाए। वो जब हम एक एक मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हमें फिल्टर को चूज करना है, लेकिन अभी के लिए हमें एक ऐसा लो पास फिल्टर लेना है जिससे आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाए। ओके, सो यहां पर आपके जो ये वाले कंपोनेंट है, ये जो रेंज है आपकी, ये वाली और ये जो रेंज है आपकी, दिस वन, दिस टू रेंजेस, दिस टू कंपोनेंट विल बी एलिमिनेटेड। नाउ जो माइनस FM से प्लस FM वाला कंपोनेंट है वो दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो उनके एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो एक्चुअल में जो आपका डायग्राम बनेगा आफ्टर लो पास फिल्टर, वो आपका जो कंपोनेंट होगा वो माइनस FM से प्लस FM के बीच में ही आने वाला है आपका, सिर्फ और सिर्फ। ओके, एम्पलीट्यूड मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, मैं इसे अगर S3F ले लूं, ठीक है, तो जो आपका S3F है अगर आप उसे कंपेयर करें शेप वाइज, तो S3F जो है वो आपका एग्जैक्टली सेम आपको दिखाई देगा जो आपने मॉड्यूलेशन के स्टार्टिंग में MF लिया था। ठीक है,
तो एक्चुअल में फिर आप क्या करेंगे, एमएफ का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको एमटी मिल जाएगा, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो यही होता है हमारा डीमॉडुलेशन, ठीक है ना। डीमॉडुलेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, बहुत तरह के इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने यहां पर एक सिंपल सा इक्वेशन कंसिडर किया है। मैंने अपने मॉडुलेटेड सिग्नल को फिर से कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई किया है, बस और कुछ नहीं किया है। कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे। सेम ऑपरेशन हमने मॉडुलेशन में किया था, जहां हमने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई किया था, अब यहां पर हमने डीमॉडुलेशन में भी अपने मॉडुलेटेड सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली होता क्या है, जो भी आपका सिग्नल है वो आपका एक बार प्लस एफसी से शिफ्ट होगा और एक बार माइनस एफसी से, मतलब एक बार आपको पूरे सिग्नल में प्लस एफसी ऐड करना है और एक बार आपको पूरे सिग्नल में माइनस एफसी ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने नेमिंग जो है वो S1F और S2F दे दी, प्लस एफसी से शिफ्ट करने पे और माइनस एफसी से शिफ्ट करने में, ओके। उसके बाद हमें पता है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका, एफ माइनस एफसी प्लस SF प्लस एफसी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो उसके बाद जो आपके कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होंगे उसे हमें लो पास फिल्टर से पास करना होता है। तो लो पास फिल्टर से पास करने पर जो हाईएस्ट कंपोनेंट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो क्या हो जाएंगे आपके, रिजेक्ट हो जाएंगे और सिर्फ आपको लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो कि आपके मैसेज सिग्नल का कंपोनेंट है वो आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ डीमॉडुलेशन। क्लियर है पॉइंट यहां तक आपको अच्छे से। नाउ कंसेप्ट ऑफ मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन को स्टडी कर लेने के बाद हम लोग एक और कंसेप्ट इस वीडियो में स्टडी करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉडुलेशन, ओके, जो हमें यूज करने होंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलेशन टेक्निक्स में। तो आपके दो टाइप के मॉडुलेशन होते हैं, एक होता है आपका सिंगल टोन मॉडुलेशन, ओके, और एक होता है आपका मल्टी टोन मॉडुलेशन, ओके। तो ये दो तरह के मॉडुलेशन हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलेशन टेक्निक में पढ़ने होंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये सिंगल टोन मॉडुलेशन क्या होता है, सिंगल टोन मॉडुलेशन मीन्स मैसेज सिग्नल कंटेन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ओके, तो आप उसे कहेंगे सिंगल टोन मॉडुलेशन, ठीक है। जो भी आपका एमटी है ना मैसेज सिग्नल, उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा एमएफ, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कंसीडर करेगा, ठीक है। सपोज करिए यहां पर वो कंसीडर कर रहा है एफएम, यहां पर वो कर रहा है माइनस एफएम। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, नेगेटिव साइड इज जस्ट द रिप्लिका ऑफ पॉजिटिव साइड, इट नेवर एग्जिस्ट। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना है, तो पॉजिटिव साइड देखिए, सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एफएम, एफएम पर ही आपका एम्पलीट्यूड दिख रहा है, एफएम के ना तो राइट हैंड साइड, एफएम के ना तो लेफ्ट हैंड साइड आपको कंपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपका एमटी था, एमटी एक्चुअल में होना चाहिए था आपका एएम कॉस ओमेगा एमटी, ओके। अगर ऐसा होता तो यहां पर एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय 2 लिखते आप, ओके, और एक इंपल्स होता आपका प्लस फ्रीक्वेंसी पर और एक इंपल्स होता आपका माइनस फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है हमारा सिंगल टोन मॉडुलेशन व्हेन ओनली वन सिंगल फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट इन मैसेज सिग्नल, ओके। नाउ जो सेकंड होता है वो आपका होता है मल्टी टोन। अब आप मीनिंग समझ गए होंगे एक्चुअल में, जब आपकी एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट हो, सपोज करिए एमटी है आपका एएम वन कॉस 2 पाई एफ एम वन टी प्लस एएम टू कॉस 2 पाई एफ एम टू टी, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपका फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। देखिए आप देखेंगे फर्स्ट टर्म जो है आपका, उस पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ एम वन है, तो यहां पर आप एफ एम वन ड्रॉ करेंगे और सेम नेगेटिव साइड क्या ड्रॉ करेंगे, माइनस एफ एम वन, और एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ओके। नाउ सपोज करिए मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि एफ एम टू इज ग्रेटर देन एफ एम वन है और ए एम टू इज ग्रेटर देन ए एम वन है, ओके, ऑब्वियस ही बात है दोनों एम्पलीट्यूड है, कोई ना कोई तो बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा, सेम आपकी दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं तो कोई ना कोई उसमें बड़ी होगी और कोई ना कोई उसमें लेसर होगी, ओके। सो अगर आप सेकेंड टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालें तो एफ एम टू चूंकि एफ एम वन से बड़ा है तो आपका और राइट हैंड साइड में बनेगा वो, तो एफ एम टू, ओके, और ए एम टू भी आपका बड़ा है तो आप थोड़ा बड़ा इम्पल्स बना दीजिए, ए एम टू डिवाइडेड बाय 2,
सेम आपका नेगेटिव साइड पे बन जाएगा, ओके okay, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एफ एम टू एंड ए एम टू डिवाइडेड बाय टू एंड सो ऑन, ठीक है ना, अगर आपके एफ एम थ्री एफ एम फोर वाले कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में आपके एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, एफ एम वन एफ एम टू एफ एम थ्री एंड सो ऑन। तो वेन एवर मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, ठीक है। मल्टीटोन मॉड्यूलेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो मैंने यहां पर बनाया है उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइप, ओके। डिस्क्रीट मींस क्या होता है, अगर आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा तो डिस्क्रीट मींस आपका हर एक वैल्यू पर या हर एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर एम्पलीट्यूड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एफ एम वन में प्रेजेंट है, फिर डायरेक्टली एफ एम टू पर है, बीच की किसी फ्रीक्वेंसी पर आपका एम्पलीट्यूड प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट। सपोज करिए एफ एम वन की वैल्यू है वन, एफ एम टू की वैल्यू है टेन, तो वन से टेन के बीच की फ्रीक्वेंसी में आपका एम्पलीट्यूड प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइप। नाउ एक और होता है आपका मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, जो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया था मॉड्यूलेशन कंसेप्ट में, एमएफ देखिए आप इस तरह से हमने बनाया था, ओके जीरो टू एफ एम एंड नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा माइनस एफ एम, ओके। आप देखिए यहां पर जीरो टू एफ एम फ्रीक्वेंसी में हर एक पॉइंट पे आपका एम्पलीट्यूड अवेलेबल है, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है। सपोज करिए आपका एफ एम जो है वो टेन है, तो जीरो से टेन के बीच में हर एक पॉइंट पे आपका एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस टाइप, ओके। सो ये जो होता है आपका मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, ये आपका टू टाइप्स का होगा, एक होगा आपका डिस्क्रीट टाइप और एक होगा आपका कंटिन्यूअस टाइप, ठीक है। तो आपको क्लियरली नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज मल्टीटोन मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज सिंगल टोन मॉड्यूलेशन इन केस ऑफ एनी मॉड्यूलेशन टेक्निक, क्योंकि हमें हर एक मॉड्यूलेशन टेक्निक में ये प्रोसेस यूज करना है, सिंगल टोन एज वेल एज मल्टी टोन। क्लियर है पॉइंट? सो ये हमारी कंप्लीट वीडियो है कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन एंड बेसिक्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पर, ओके। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसिडर करूंगा टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन एंड आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ओके। गुड बाय।